डूबी हुई पृथ्वी को उबारने के लिए रूप बनाते हैं। लंबे लंबे दांत, लंबी नाक, दीदी के यहां हुआ तो दीदी के गर्भ से दो राक्षस पैदा हुए, जिनमें से एक का नाम हुआ हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हुआ हिरण्यकश्यप। कश्यप ऋषि ने यहां हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को प्रकट किया और सबसे पहले कथा थी हिरण्याक्ष की। बोलो श्री मद्भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री वेद व्यास जी महाराज। राक्षसों का उद्धार करने के लिए साक्षात श्रीमन नारायण आएंगे और हिरण्यकश्यप के यहां तो प्रहलाद प्रकट होंगे और भक्तराज प्रहलाद को दर्शन देने के लिए श्रीमन नारायण का आना होगा। तो दीदी के मन में कुछ सहारा हुआ, समय आया, हिरण्याक्ष की कथा पहले आती है। हिरण्याक्ष आसुरी वृत्ति के हैं और जैसे ही हिरण्याक्ष प्रकट हुए तो महाराज सब ओर त्रास मचाने लगे, सब ओर अपने संकल्पों से, अपने कार्यों से सबको तंग करने लगे, सताने लगे। अब महात्मा लोग परेशान होने लगे, कैसा राक्षस है ये। सभी श्रीमन नारायण से प्रार्थना करने लगे और हिरण्याक्ष ने अपने पाप से पृथ्वी को गहरे सागर में डुबा दिया। अब महात्मा लोग और भी परेशान, सभी पुकार करने लगे श्रीमन नारायण से, हे महाराज पृथ्वी डूब रही है पाप से, राक्षस के त्रास से, आप कृपा कीजिए, प्रकट होकर पृथ्वी का कल्याण कीजिए, धरती का कल्याण कीजिए।